नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं दिनेश भारती के लिखे नाटक याददाश्त मुबारक का पहला भाग। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। तो आइए सुनते हैं नाटक याददाश्त मुबारक। अरे वाह, आज तो आप वायदे के मुताबिक दफ्तर से सही वक्त पर आ गए। वायदे के मुताबिक आया ही नहीं हूँ, वायदे के मुताबिक तुम्हारे लिए देखो देखो दो टिकट भी लाया हूँ। क्या टिकट मिल गया? अरे मिलता कैसे नहीं जी, जब मैं स्टोव के लिए 2 लीटर मिट्टी का तेल ला सकता हूँ तो क्या मैं तुम्हारे लिए 2 टिकट नहीं ला सकता है? अरे आफ्टर ऑल आई एम अ मैन ऑफ 20th सेंचुरी, तुमने अपने पति को समझ के रखा है भाई। इतने अच्छे हो तुम। और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारी तरह बुरा हूँ? ये लो ये लो ये लो अपने दोनों टिकट, और संभाल कर रखना। सुनो, 2 हफ्ते से मेरा दिमाग चाट के पत्ते की तरह चाटे जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो लॉटरी के टिकट है जी। अरे हाँ भाई, लॉटरी के टिकट हैं। 2 हफ्ते से तुम मेरी जान चूल्हे की मिट्टी की तरह से चाटे जा रही थी कि लॉटरी का टिकट, टिकट लॉटरी के टिकट, लॉटरी के टिकट, और ले आइए ले आइए ले आइए। फिर कैसे नहीं करता, अब ले आया हूँ तो ऐसे चौंक रही हो जैसे लॉटरी का नहीं रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट है ये। मैंने आपसे किसी प्रदेश की लॉटरी के टिकट नहीं, फिल्म लॉटरी के टिकट लाने को कहे थे भाई। फिल्म लॉटरी के टिकट? हाँ। तो क्या ये लॉटरी नाम की कोई फिल्म भी बन गई है क्या? आप संसार में रहते हैं कि पतली गर्दन वाली सुराही में? आपके दिमाग में आपके छाते की तरह सुराख हो गया है क्या? हम 2 हफ्ते से फिल्म लॉटरी का टिकट लाने की याद दिला रहे हैं और आज आप हमें इस प्रदेश उस प्रदेश की लॉटरी का टिकट लेकर बहला रहे हैं। यानी तो माया, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा याद आ रहा है कि तुमने मुझसे वो सरकारी लॉटरी का टिकट लाने को कहा था। अच्छी याददाश्त है आपकी, कल मैंने आपको बाजार से सब्जी लाने भेजा, हाँ, तो उठा लाए जोंधरी का आटा, रुपया दिया बिजली का बिल जमा कराने के लिए तो जमा कराए डाकखाने में। पिछली होली पर मिस रायन के लड़के का एक्सीडेंट हुआ तो हाल पूछने आप इस होली पर गए। याददाश्त का यही हाल रहा ना तो कल को आप अपने को कुंवारा समझकर दूसरी शादी भी कर डालिएगा। दूसरी शादी करने का इरादा है क्या? अरे भला हम एक जीवन में अकेले अपने लिए 2-2 बीवियां कैसे रख सकते हैं भाई? जैसे ट्रेन पर आप अकेले अपने लिए 2-2 टिकट रख लेते हैं। अरे भाई वो तो हम प्रिकॉशनरी तौर पर 2 टिकट रख लेते हैं ताकि एक खो जाए तो हम दूसरा दिखा तो सके ना। अच्छा अच्छा, तो इस तरह हम बीवियों को भी प्रिकॉशनरी तौर पर 2-2 पति भी रखने चाहिए ताकि एक के मर जाने पर हम विधवा तो ना कहला सके। अरे रे रे माया माया, ये क्या हो रहा है तुम्हें आज? क्या हो रहा है? मेरा मन जहर खाने को कर रहा है। अरे जहर कोई हजरतगंज की चाट या अमीनाबाद की कुल्फी है जो खा लोगी तुम? अरे एक सिनेमा का टिकट ही तो लाना भूल गया हूँ भाई। कोई देखो देखो, मैं समझा तुम्हें थोड़ी भूल गया हूँ। तुम्हारा क्या ठिकाना, जब रोज कोई ना कोई चीज भूल जाते
तो एक दिन मुझे भी भूल जाओगे। राम 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 माया 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 माना 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 कि कभी कभी मैं कुछ भूल कर भूल जाता हूँ, लेकिन भला अपनी अपनी ससुराल ब्रैकेट में भगवान ऐसी ससुराल किसी को ना दे, भला अपनी ससुराल से मिली सेकेंड हैंड टीवी और बीवी को कभी भूल सकता हूँ। खबरदार जो मेरे मायके से मिली टीवी को कोसा, तो कितने प्यार से गढ़वासी टोला वाले भैया ने तुम्हें कलेवे पर अपना टीवी दिया था जब तुम खिचड़ी नहीं खा रहे थे। खिचड़ी तो मैं इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि उसमें नमक नहीं पड़ा था, तुम्हारे गढ़वासी टोला वाले भैया के सड़े पुराने जंग लगे टीवी के लिए नहीं। अरे उनसे चलाते नहीं बना तो दे दिया शादी में तुम्हारे साथ उस खूसा टीवी को, जिसमें अच्छा खासा सीरियल भी फुटबॉल का मैच दिखाई पड़ता है। अच्छा है, दिल्ली लगाओ तो रांची दिखाई पड़ता है, अनाउंसर का सिर बाएं कोने पर और धड़ दाहिने कोने पर नजर आता है। अरे ये भी कोई टीवी है? है? अरे तुमको तो मैं कभी कभी देख भी लेता हूँ लेकिन उसकी तरफ एक नजर नहीं देखता। ससुरे की मरहम पट्टी में आज तक जितना पैसा लग चुका है उतने में तो तीन तीन नए टीवी सेट आ जाते भाई। तो मत देखा कर। लेकिन तुम हो कि इतने सालों में अपनी जुबानी बांसुरी के एक ही छेद से सातों सुर बजाए जा रही हो। ये मेरे गढ़वासी टोला वाले भैया ने दिया है टीवी, बेचूंगी नहीं इसे। हाँ नहीं बेचूंगी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुम्हारे मायके वालों ने बिना नमक की खिचड़ी बनाई थी। अरे न मैं खाने से इनकार करता, न मुझे नाराज समझ कर तुम्हारे वो गढ़वासी टोला वाले भैया अपना यह हातिम ताई के जमाने का टीवी मुझे देते। इस टीवी को देने से तो अच्छा था कि मुझे फांसी पर लटका देते। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे गढ़वासी टोला वाले भैया के दिए टीवी को गले की फांसी खांसी कह लो। इसी टीवी को देखकर बगल वाले वर्मा जी तुम्हारी जैसा ही टीवी लाए हैं। काश वो मेरी जैसी बीवी भी लाए होते। मेरा मुकाबला टीवी से करते हो? तुम्हारा मुकाबला टीवी से मैं कैसे कर सकता हूँ भाग्यवंती? वो बेचारा कम से कम रात 12-1 बजे बंद तो हो जाता है, लेकिन तुम जो एक बार शाम से टकर 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 शुरू करती हो तो सुबह के प्रसारण के सिग्नेचर ट्यून पर ही अपनी जबान बंद करती हो। अरे अरे भैया क्या हो गया, तुम बोलते बोलते एकदम से चुप क्यों हो गई? बोलो, अरे कुछ बोलो ना भाई। हमें खेद है कि कान में मच्छर चले जाने के कारण हम आपकी बात 7:11 से लेकर 7:12 तक नहीं सुन सके। भाई भाई, मेरा मतलब ये था कि मैं अपने पक्ष में इतना लंबा डायलॉग बोल गया और तुम विपक्ष की तरह ना 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 शोर कर रही हो, ना वॉकआउट कर रही हो, निर्दलीय सदस्य की तरह चुपचाप बैठ कर क्या सोच रही हो भाई? मैं सोच रही थी कि शुरू में डांट तो मैं आपको रही थी, ये आखिर में आप मुझे कैसे डांटने लगे? होता है। हाँ, अब याद आया, मैं शुरू में आपको फिल्म लॉटरी का टिकट ना लाने के कारण बिगड़ रही थी और आप हमेशा की तरह अपनी भूल जाने की आदत पर पर्दा डालने के लिए बात को मोड़ कर मुझी पर भी करने लगे। तो तुम्हें फिर से याद आ गया फिल्म लॉटरी का टिकट? मेरी याददाश्त आपकी तरह कमजोर नहीं है जी। तुम्हारी याददाश्त ही कमजोर होती जी तो मैं तुम्हारे सामने अपने हथियार महीने भर की तनख्वाह की तरह क्यों रख देता भाग्यवंती? अच्छा बोलो, कब ला रहे हो फिल्म का टिकट? अरे मैं दफ्तर से थका मांदा लौटा हूँ, एक कप चाय देने के बदले सिनेमा की टिकट के पीछे पड़ी हूँ। ला दूंगा कल ला दूंगा। सच कह रहे हो? हाँ, और क्या, गीता पर हाथ रखकर कसम खाऊं? तो चलिए याददाश्त के लिए गांठ लगाइए। याददाश्त के लिए गांठ कहाँ? अरे रुमाल में और क्या पैजामे के नारे में गांठ लगाइएगा। रुमाल में गांठ? अरे अपने दफ्तर के जरूरी काम याद रखने के लिए मैंने उसमें वैसे ही आधा दर्जन गांठें पहले से ही लगा रखी हैं, अब उसमें एक गांठ और लगवा दोगी तो मुंह क्या मैं अपने गांठों से पोछूंगा? ये सब मैं कुछ नहीं जानती, पहले आप अपने रुमाल में टिकट के नाम की एक गांठ और लगाइए। अरे एक रुमाल, उसमें 7-7 गांठों को मैं पहचानूंगा कैसे भाई, है कि कौन सी गांठ तुम्हारे फिल्म लॉटरी वाले टिकट की गांठ है? मेरी वाली गांठ में चावल बांध लेना। चावल बांध लेना, दाल और आटा भी बांध लूंगा। मैं दफ्तर का काम करने जाता हूँ कि चावल दाल आटा बांध कर भीख मांगने जाता हूँ मैं। बांध लीजिए ना गांठ में चावल।
हे भगवान बांध लूंगा गांठ में चावल धूप अच्छत हल्दी चंदन जो कहोगी बांध लूंगा भाग्यवंती बांध लूंगा। अब तो मुझे कम से कम एक कप चाय पिला दो। बोलते बोलते मेरा गला सूख कर गली बन गया है। गली गली चाय I want this letter. Write down. Please refer to your letter number. May I come in, sir? Hold on. Kaun Bilhari Lal? Balihari Lal, sir. Balihari Lal. आपने मुझे ठीक 11 बजे बुलाया था ना सर? देखिए सर ठीक 11 बजे हैं सर। आई एम ऑलवेज वेरी पंक्चुअल सर। मिस्टर बिलहारी लाल जी? नहीं बिलहारी नहीं सर, सर बलिहारी लाल। व्हाट ब्लडी बिलहारी एंड बलिहारी। मैंने आपको किस दिन 11 बजे बुलाया था? किस दिन? यस किस दिन सर? दिन तो याद नहीं है सर, पर इतना मुझे श्योर याद है सर कि आपने मुझे ठीक 11 बजे बुलाया था। किस दिन 11 बजे बुलाया था सर? वो कल आपने मुझे 11 बजे बुलाया था। सर और आप आज 11 बजे आ रहे हैं? नहीं सर, वो बात ये हुई सर कि कल मुझे ठीक 12 बजे याद आया कि आपने मुझे 11 बजे बुलाया है। अब चूंकि सर आप टाइम के बहुत पंक्चुअल है ना सर, तो सर इसलिए मैंने सोचा कि देर से मिलने से अच्छा है कि मैं एक दिन बात सही लेकिन आपसे ठीक 11 बजे मिलूं। विकास सर, एज यू नो सर, विकास आई एम वेरी पंक्चुअल सर। आप आदमी है कि रेलवे स्टेशन पूरे 24 घंटे लेट आ रहे हैं और आप कहते हैं कि आप पंक्चुअल हैं? सर भला आप मेरा मुकाबला आप रेलवे ट्रेन से क्यों कर रहे हैं सर? वो तो पूरे भारत वर्ष में लेट आती है, मैं तो सिर्फ सर अपने दफ्तर में एक ही दिन लेट आया हूँ। क्यों देर से आते हैं आप दफ्तर? मेकअप करते हैं क्या? सर जी मेकअप तो मेरी वाइफ करती है सर, मैं तो सिर्फ वो शीशा लेकर खड़ा रहता हूँ सर सामने। तो हम आपको तनख्वाह घर में वाइफ के सामने शीशा लेकर खड़े रहने की देते हैं? नो सर, नो 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 सर, तनख्वाह तो आप मुझे दफ्तर में फाइल लेकर खड़े रहने की देते तो हैं। तो फिर आप दफ्तर टाइम से आना क्यों भूल जाते हैं? सर दफ्तर के लिए तो मैं वक्त पर ही निकलता हूँ। तो रास्ते में गप मारते हैं क्या? नहीं सर, झक मारता हूँ गप नहीं। क्या? सरकारी बसों की हालत तो आप जानते ही सर, लेकिन उसमें 10 बजे की भीड़ का हाल आप नहीं जानते सर। 2-3 बसें तो यूं ही छूट जाती हैं, तब कहीं जाकर फुटबोर्ड पर खड़े होने की जगह मिलती है। हियर लाइज द प्रश्न ऑफ जनाधिक्य सर। कुछ दिनों में हमारे देश की आबादी 90 करोड़ तक हो जाएगी और तब क्या होगा? सर दफ्तर तो तभी टाइम से आना पड़ेगा सर। सही समय पर आना पड़ेगा। सही समय पर आना पड़ेगा सर, सर, सर बिल्कुल सही समय पर आना पड़ेगा। और आइंदा से मेरे सामने इस तरह के फालतू एक्सप्लेनेशन लेकर मत आइएगा। कौन सा एक्सप्लेनेशन? फालतू बिलहारी लाल। समझ गया सर, समझ गया, समझ गया सर। वन मिनट, वो सहानी एंड सहानी कंपनी का कोई जवाब आया? सहानी एंड सहानी कंपनी का जवाब? और क्या हम आपसे अंक गणित का सवाल का जवाब पूछ रहे हैं? नहीं 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 सर, सर मेरा मतलब था सर कि मैं अभी हमने उन्हें कल ही तो रिमाइंडर भेजा है। कल? हाँ। व्हाट कल? एक महीने पहले बताया हुआ रिमाइंडर आपने कल भेजा है। कहाँ रहते हैं आप? साउथ जहानाबाद में सर। आपसे आपके मोहल्ले का नाम नहीं पूछा जा रहा है, आपके होश का पता पूछ रहा हूँ। राइट सर। हर काम आप वक्त पर करना भूल जाते हैं। यू आर राइट सर। व्हाट प्लीज राइट आंसर। आप अपने होश का इलाज करवाइए मिस्टर। क्या बताऊं सर, च्यवनप्राश से लेकर शिलाजीत तक दूध और चाय ही नहीं बल्कि दाल चावल सब्जी रोटी सब मैं मिलाकर खा चुका हूं सर, लेकिन फायदा है कि प्रमोशन की तरह मेरे पास आने का नाम ही नहीं लेता। देखिए मिस्टर बिलहारी लाल। सर बिलहारी लाल सर। ओके ओके एक्स वाई जेड लाल, आइंदा से अगर आपने दफ्तर के काम में इस तरह की भूल की तो आपको बिना चार्जशीट दिए सस्पेंड कर दूंगा। नोट डाउन, समझे आप सर? अब आप जाइए और आज ही डिस्पैच करके फौरन हमें बताइए। और अब आप बिजली के खंभे की तरह यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं?
जाइए, आई से जाइए। सर व्हाट सर? सर हाँ सर, वो मेरी वाइफ है ना सर। हाँ वो सर कई दिनों से सर फिल्म लॉटरी देखने के लिए जिद कर रही है सर। तो सर सर कहिए तो सर, सर कल कल का एक टिकट एडवांस लेने के लिए सर, सर 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 नहीं सर सिर्फ मेरी सर, नहीं सर सिर्फ सिर्फ आज सर दफ्तर से एक घंटा सर, सर एक घंटा से एक घंटा पहले चला जाऊंगा सर। मेरी समझ में नहीं आ रहा मिस्टर बिलहरी लाल आप चाहते क्या सर। बड़ी मेहरबानी होगी सर। सर यू आर सर वेरी नोबल, यू आर मोस्ट हम्बल सर एंड वेरी वेरी काइंड हार्टेड सर। सर आई एम योर मोस्ट फेथफुली सर्वेंट सर। ओके ओके प्लीज सर कंधे जहां तक आइए, लेकिन आइंदा से आप अपना ये प्लीज लेकर मेरे पास फिर कभी मत आइएगा। जाइए। धन्यवाद सर। ठीक है ठीक है, वेरी वेरी धन्यवाद सर। जाइए सर, वेरी वेरी धन्यवाद सर। ओह डिस्टर्ब मत किया, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। जी दफ्तर से घर आने में 3 घंटे लगते हैं क्या? कहाँ थे अभी तक? चिड़िया घर गया था। चिड़िया घर वालों की गरज होती तो खुद ही आकर तुम्हें ले जाते, तुमको वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? बहुत दिनों से मीठी मीठी बातें सुनने को मन कर रहा था भाग्यवंती। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुमसे कड़वी कड़वी बातें करती हूँ? ऐसा ही था, तुम मुझसे शादी क्यों की? किसी तोता मैना से की होती। क्यों बिना आंसू के रो रही हो भाग्यवान, क्यों बिना आंसू के रो रही हो? तो आप चाहती हैं कि हम हमेशा आंसू ही बहाते रहें? तो तुम चाहती हो कि बिना आंसू के हम तुम्हारी आंख पोंछते रहें? पहले रोती थी, रुमाल लिए खड़े रहते। अरे तो अब क्या बाल्टी लेकर खड़ा रहूं? पहले आंसू तो बहाओ भाग्यवंती, पहले आंसू तो बहाओ। मैं रुमाल तो क्या, आंसू पोंछने के लिए रजाई का फर्द लेकर खड़ा रहूंगा। आखिर आप क्यों चाहते हैं कि हम हमेशा आंसू बहाते रहें जी? ताकि हम एक फरमाबरदार बीवी के पति कहलाते रहें जी। और हम आपकी नासमझियों से दिल जलाते रहें जी। तुम औरतों का दिल है कि मोमबत्ती, जरा सी बात में जलने लगता है, जरा सी बात में पिघलने लगता है, जरा सी बात में जम जाता है, जरा सी बात में खम जाता है, नाक में दम आ जाता है तुम्हारे इस दिल से। तुम्हारे सीने में दिल होता ना तब समझते मेरे दिल की अहमियत। आहा, मेरे सीने में दिल नहीं गोबर का कंडा लगा है, है? चूल्हा जलाना होगा तो निकाल कर जला लेना, लेकिन खाम खाम में अपना दिल जलाकर मोहल्ले में कार्बन डाइऑक्साइड मत फैलाओ। हाँ, प्लीज हाँ, मत फैलाओ। हाँ, मेरा दिल तो अब तुम्हें फैक्ट्री और पेट्रोल का धुआं लगेगा ही, बगीचे की खुशबू तो तुम्हारे साहब की निगोड़ी मेम साहब का दिल होगा ना। अरे अरे, जिसे रोज हिंदी पढ़ाने जाते हो। अरे ये खूब लड़ी मर्दानी से हटकर एकदम तुम ये श्रृंगार रस में कहां से चली गई भाई है? अरे हमारे और तुम्हारे बीच में ये मैडम कहां से आ गई? बीच में नहीं, बाद में आई है। पहले तुम्हारी जिंदगी में मैं आई, बाद में वो निगोड़ी। निगोड़ी? दुमकती निगोड़ी मुई, वही तो सारे फसाद की जड़ है। अरे वो फसाद की जड़ है तो क्या तुम मोहब्बत का पेड़ हो है? तुम्हारे लिए साहब से हाथ जोड़कर दफ्तर से 1 घंटा पहले छुट्टी लेकर भीड़ में 3 घंटे तक धक्के खाकर सिनेमा का टिकट लेकर एडवांस टिकट लेकर आया हूँ, और तुम हो कि उस 3 घंटे के लिए मेरा 3 जन्म बर्बाद किए दे दिए। क्या आप सिनेमा हॉल मेरे लिए फिल्म का टिकट लाने गए थे? तो क्या सिनेमा हॉल में मुरादाबाद का टिकट मिलता है? हाय, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताने के लिए तुमने मुझे मौका भी तो नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं समझी थी कि आज आप फिर सिनेमा का टिकट लाना भूलकर मुझसे बहाना बना रहे हैं। आप बहुत भूलते हैं ना जी। किस दिन का है जी? कल शाम 6 बजे का है जी। मैं अभी कितनी बुरी हूँ? देखो बार बार इस बात को रिपीट मत किया करो। आप हमको कितना प्यार करते हैं और हम आपसे तकरार करते हैं। इसी तरह तो दाम्पत्य जीवन के तार बिछते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है 23 घंटा पहले बता रहा हूँ कि कल शाम को 6 बजे तैयार रहना। अरे मेरे तैयार होने में मिसेस बर्मन की तरह कोई 10 घंटे थोड़े ही लगते हैं। मुई 1 घंटा पानी के भाप से नहाती है और फिर 2 घंटा भाप के पानी से। आप दफ्तर से आइएगा तो मैं तैयार होकर बिल्कुल फ्रेश।
आपको बाहर के दरवाजे पर ही खड़ी मिलूंगी। भाग्यवंती, क्या अब मैं चाय मांग सकता हूँ? अरे मैं तो आपको चाय देना ही भूल गई, अभी लाती हूँ। लेकिन सुनिए आपको मेरी कसम, हाँ कल का प्रोग्राम भूलकर मैम साहब को हिंदी पढ़ाने मत चले जाइएगा। और हाँ वो सुनो ये, अरे ये तुम कैरम बोर्ड की गोटी की तरह बार बार दरवाजे से वापस क्यों चली आती हो भाई? जाइए जाकर चाय लाइए, जाइए। अब मैं कह रही थी ना कि कल आते समय अपने गुप्ता जी का स्कूटर भी लेते आइएगा। मिस्टर मिसेस बर्मन स्कूटर से ही तो सिनेमा देखने जाते हैं। अरे मैं स्कूटर नहीं, तुमको सिनेमा चलने के लिए रोडवेज की बस लेता आऊंगा भाई। अब तो एक कप चाय बनाकर पिला दो दुर्गेश नंदिनी। अरे तुम? इतने सालों बाद? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता था। कहाँ थे इतने साल? मैं यही था। और सुनाओ तुम्हारी शादी हो गई? हाँ शादी तो हो गई है। बच्चे? बच्चे भी हैं। अच्छा पति क्या करते हैं? पति आर्मी में है। लगता है पिक्चर शुरू हो गई है। अरे अरे 3 घंटे मेकअप में लगाओगी तो पिक्चर तो शुरू हो नहीं होगी, तो क्या होगा फिर? हैं क्या 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 तुम्हारे उद्घाटन के इंतजार में खड़ी रहेगी वो? चलो 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 अंदर चलो। ओ भाई जी, और टिकट प्लीज। अरे टिकट और की असी हाल भी जान वाले कोई आपसे कुछ मांग रहे हैं। अरे गेट कीपर को जल्दी से टिकट दीजिए ना। हाँ टिकट 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 रखा भाई। मिल जा। आपकी जेब है कि इमाम बाड़ा? 2 जेबों में इतनी देर से 2 टिकट नहीं मिल रहे, कहीं भूल तो नहीं आए? नहीं भाई, भूल जाने के डर से मैं कल से इस पैंटी नहीं उतारी मैंने। ये रहा टिकट, लीजिए गेट कीपर जी, पूरे 2 हैं, गिन लीजिए। ओए अजी गिनती गिनो तुसी, साडी 2 दी गिनती एनी कमजोर नहीं है जी। चलो चलो ठहरो, ए टिकट नाल तुसी अंदर नहीं जा सकते। तो क्या मैं ये टिकट सिनेमा हॉल के बाहर खड़े रहने के लिए मैंने खरीदा था? अरे कमाल है। कमाल तो तुसी कर दे पाए हो जी, इतना तुसी लेट करके आए हो। क्या क्या कहा आपने? मैं लेट करके आया हूँ या खड़े होकर आया हूँ, इससे आपको क्या मतलब? मतबल तुसी आदमी हो या हैंडूम का कुर्ता, साड़ी गल सुनते नहीं अपनी गल मारी जा रहे हो। तो दसो जी की गल है? ए टिकट आज का नहीं है? आज का नहीं है? आज का नहीं है तो क्या ये 1947 का टिकट है? अरे कल ही तो इन्होंने एडवांस लिया है इवनिंग शो का। हैं जी, ऐते कल दी इवनिंग शो दा टिकट हैगा सी? कल के इवनिंग शो के टिकट हैं ये? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ओ चीको नहीं, ऐ सुनमा आला कोई असेंबली आ लियागा। मेरा मतलब है कि ये कैसे हो सकता है भाई जी? भाई जी, नहीं मैंने कल उस सामने वाली विंडो से पूरे 2 टिकट नगद पैसे देकर शाम के 6:15 एडवांस लिए थे। मैं क्या भाषा हूँ, तुसी अंग्रेजी पढ़ सकते हो? क्या बकते हो? अरे मैं तुमको तो क्या, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को अंग्रेजी में ही नहीं हूँ, उर्दू भी अंग्रेजी में पढ़ा। मेरे को ट्यूशन वास्ते पैसे नहीं है फालतू। भाजी जीडी विंडो तो तुसी टिकट लिखता है ना, ओदे ऊपर वेखो की लिखा है? करंट बुकिंग जी। तुसी करंट बुकिंग विंडो तो कल शाम दे 6:00 दे शो दा टिकट लिता सी। एडवांस दी विंडो ते उधर है, उधर उस तरफ। भाई साहब, हां जी, ते ये टिकट बिल्कुल बेकार हो गया। ओए 100% बेकार जी। हुन तुसी प्राजी दसो, कल दे पुराने टिकट नाल तुसी आज सुनवा कैसे देख सकते हो? अब क्या होगा जी? हुण ते आज दा टिकट भी नहीं मिल सकता भैन जी। उधर वेखो हाउस फुल दा बोर्ड, तुसी बहुत लेट करके आए हो भैन जी। सत्यानाश हो आपके इस भुलक्कड़ी दिमाग का, कल का टिकट खरीद कर आज सिनेमा दिखाने चले आए। माया चलिए घर वापस। माया, अरे 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 सुनो तो माया।
है माया बहन, ये आज तुम्हारे चेहरा क्यों लटका हुआ है? भगवान के इस दिए शरीर पर चेहरा नहीं तो क्या कटहल लटकेगा? बड़ी उखड़ी हुई हो आज, बात क्या है? क्या बताऊं लक्ष्मी बहन, माँ बाप भी अपनी लड़कियों को खेत के पौधे की तरह उखाड़कर एक जगह से दूसरी जगह गाड़ देते हैं, चाहे वो पौधा सूखे या मुरझाए उनकी बला से। अरे मैं सीधे सीधे पूछ रही हूँ और तुम हो कि टेढ़े टेढ़े बोली जा रही हो। मैं तुमसे कोई अंताक्षरी खेल रही हूँ जो बुझावल बुझा रही हो? साफ साफ फूटो, हुआ क्या है? अपने उनसे झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या? उन्हीं का तो रोना है लक्ष्मी, इनसे ब्याह करके तो मैं ब्याह वाले दिन से ही पछता रही हूँ, हर बात भूल जाते हैं। कहती हूँ आम तो लाते हैं इमली, चिट्ठिया अपने अम्मा बाबू को बुलाने के लिए लिखने को कहती हूँ तो आने को लिख देते हैं अपनी कठोरी मौसी को। हफ्ते भर से सिनेमा का टिकट लाने को कह रही थी, सो याद दिलाते दिलाते लाए भी तो किसी प्रदेश की लॉटरी का टिकट। बड़ी मुश्किल से दोबारा सिनेमा हॉल से टिकट लाए भी तो उसी दिन का टिकट लेकर जानती हो दूसरे दिन सिनेमा दिखाने ले गए। इतनी भद हुई कि पूछो मत, मैं तो तबाह हो गई हूँ इनसे। लो लो बाग बाढ़ और सूखे से तबाह होते, और तुम अपने एक अदद पति से तबाह हो गई। तुम ऐसे भुलक्कर पति की बीवी होती तो क्या आबाद हो जाती? अरे माया बहन, भाई साहब को थोड़ा बादाम वादाम पिस्ता विस्ता घिस घिस कर पिला विला दो, याददाश्त तो क्या तुम्हारी डांट खाने के लिए उनकी बर्दाश्त भी बढ़ जाएगी। बादाम और पिस्ता इनको, अरे इनको बादाम पिस्ता नहीं, बादाम और पिस्ते के समूचे पेड़ भी अगर घिस कर पिला दूं ना तो भी कुछ नहीं होने का। पता नहीं किस सांचे में ढल कर आए हैं। अच्छा ऐसा कर, भाई साहब को शीर्षासन करा, शीर्षासन से याददाश्त तेज हो जाती। दो दिन जबरदस्ती कराया था, तीसरे दिन गर्दन ही में चुक गई। 15 दिन मुझी को मालिश करना पड़ा, तब कहीं 16वें दिन मुझको सिर उठाकर देख पाए। अरे अरे माया, ये अखबार देख। छोड़ छोड़ लक्ष्मी, मुझे मेरा भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, तू अखबार देखने को कह रही है? अरे अरे इसमें छपा ये विज्ञापन देख, देख तो लिखा है क्या? आपके शहर में पहली बार याददाश्त के सुलेमानी नुस्खे के साथ डॉक्टर मेमोरेंडम का लाफानी तहलका, भूली बिसरी यादें वापस। किसी की याददाश्त खो गई हो, कमजोर हो गई हो या बिगड़ गई हो तो फौरन हमारी सालों के तजुर्बे और वर्षों की मेहनत से इजाद की गई दवा यादीन का इस्तेमाल करें। 3 दिन के भीतर कमजोर से कमजोर याददाश्त के तेज होने और भूली याददाश्त की वापस आ जाने की गारंटी। लखनऊ में सिर्फ 7 दिन का प्रोग्राम। मिले डॉक्टर मेमोरेंडम, रूम नंबर 24। अभी आप सुन रहे थे नाटक याददाश्त मुबारक, इसका पहला भाग। लेखक थे दिनेश भारती, निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आपको याद दिला दें कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।